हेलो फ्रेंड्स, देसी चूल्हा में आपका स्वागत है। आज हम रिंग समोसा बनाएंगे। तो रिंग समोसा बनाने के लिए हमने 350 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें हमने छील के रख लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जो हमने कद्दूकस करके रख लिया है। 50 ग्राम पनीर है, ये उबली हुई मटर है हरी। 2 मिर्च है जो हमने काट के रख लिए है। 10-12 काजू है जिनके हमने टुकड़े काट लिए हैं। 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया है। 2 चम्मच किशमिश है। 2 चम्मच हरा धनिया कटा हुआ। 2 चम्मच तेल है। 1 चम्मच नमक है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। 1/2 चम्मच गरम मसाला है। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर है। 1 पिंच हींग है। 1 चम्मच जीरा है। समोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो हमने आलू को बड़े बोल में निकाल लिया है। अब हम आलू को मैश कर लेते हैं। हमने समोसे के लिए आलू तैयार कर लिए हैं। पैन गरम हो गया है। 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। जीरा डाल देते हैं। जीरे को थोड़ा भूनते हैं। जीरा भून गया है। अदरक डाल देते हैं। अदरक को थोड़ी देर भूनते हैं। अदरक भून गया है। फ्लेम को लो पर कर देते हैं और हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद बचे हुए मसाले भी डाल देंगे। हींग, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सबको मिक्स करते हैं और आलू डाल देते हैं। नमक हमने सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मटर डाल देते हैं। पनीर, काजू, किशमिश, अमचूर पाउडर, धनिया डालने के बाद सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और 1-2 मिनट भूनते हैं। उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। अब स्टफिंग तैयार हो गई है। गैस ऑफ कर देते हैं और स्टफिंग को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ठंडा होने देते हैं। तब तक हम समोसे के लिए आटा लगा लेते हैं। हमने 350 ग्राम मैदा लिया है। 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। 1 चम्मच अजवाइन, 1/4 कप तेल डाल देते हैं और मैदा में अच्छी तरह मिक्स करते हैं। हम आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदेंगे और पूरी के आटे की तरह ही आटे को लगाएंगे। हमें आटा लगाने में 1/4 कप से कम पानी लगा है। हमारी मैदा 2 कप थी। अब हमारा आटा लग गया है। अब हम आटे को ढक के रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटे में आटा सेट हो जाएगा, फिर हम समोसे बनाएंगे। 1/2 घंटा हो गया है और हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब हम समोसे के लिए लोइयां बनाते हैं। हम समोसे की लोई रोटी के बराबर ही तोड़ेंगे, जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं। हमने लोइयां तोड़कर तैयार कर ली हैं। अब हम समोसे बनाते हैं। 1 लोई उठाएंगे, थोड़ी सी मैदा लगाकर बेलन से पूरी को बेलेंगे। हमने आटे को पूरी की तरह सख्त लगाया है, तो हम बार बार मैदा नहीं लगाएंगे। हम बिना मैदा लगाए ही पूरी को बेलेंगे और पूरी को एकदम एक सा बेलेंगे, कहीं मोटा पतला नहीं रखेंगे। पूरी बनकर तैयार हो गई है। हम नाप कर देख लेते हैं। हमें लगभग 7x7 की पूरी चाहिए, चौकोर। हमारी पूरी 7 से थोड़ी बड़ी है, तो हम जब काटेंगे तो लगभग 1.75 इंच की हमारी पूरी रह जाएगी। तो हमारी पूरी ठीक है, तो हम समोसा बना सकते हैं। हम पूरी को साइड से काट लेते हैं। हम पट्टियों को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पट्टियों की अभी जरूरत होगी, तो हम पट्टियों को रख लेंगे। पूरी हमने काट कर तैयार कर ली है। अब हम स्टफिंग भरते हैं। तो हम 1 सेंटीमीटर छोड़कर स्टफिंग लगाएंगे। हमने मैदा और पानी का घोल बना लिया है समोसे चिपकाने के लिए। घोल को हम स्टफिंग से 2 सेंटीमीटर आगे लगाएंगे। इसको हम स्टफिंग के साथ नीचे की तरफ रोल करेंगे। 1/2 सेंटीमीटर छोड़कर हम कट लगाएंगे।
नीचे की तरफ आधा सेंटीमीटर छोड़ देंगे, वहाँ भी नहीं काटेंगे। उसे हम घोल लगाकर समोसे को चिपकाएंगे। ने पूरा कट लगा लिए। अब हम स्टफिंग के साथ पूरी को फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और गोल करके दोनों किनारों को जोड़ देंगे। समोसे के दोनों किनारों पर हम घोल लगाएंगे और उन्हें आपस में जोड़ देंगे। समोसा जोड़ने के लिए हमने जो पट्टी काट कर रखी थी उस पर घोल लगाएंगे और समोसे के ऊपर लपेट देंगे। पट्टी चिपकाने से समोसे का जोड़ मजबूत हो जाएगा। जब हम समोसे को फ्राई करेंगे तो हमारा समोसा खुलेगा नहीं। हमने पट्टी को अच्छी तरह चिपका दिया है। अब हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरा समोसा बनाते हैं। हमने समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। हम समोसे फ्राई करते हैं। तेल गरम हो गया है, हम समोसे डाल देते हैं। जितने समोसे कढ़ाई में आ जाएंगे हम उतने समोसे कढ़ाई में डाल देंगे। समोसे थोड़े थोड़े सिके हुए दिखाई दे रहे हैं, हम समोसे पलट देते हैं। जब तक समोसे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हम समोसों को पलट पलट के सेकते रहेंगे। समोसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम समोसे निकाल लेते हैं। हमें एक बार के समोसे तलने में 15 से 17 मिनट लग जाते हैं। अब समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। 12 रिंग समोसे बनकर तैयार हुए हैं। समोसे बहुत ही खस्ता और करारे बने हैं। अब हम सर्व करते हैं समोसे। रिंग समोसा लंबे समय तक खस्ता और करारा रहता है। ठंडा होने के बाद भी इसका करारापन खत्म नहीं होता। अगर आपको रिंग समोसा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।